विचक्षणता व्यक्त हुई है। हम नहीं इस तरह से लग पाए उसकी सेवा में, पर लक्ष्मी जी कैसे उनके उसके चरणों की सेवा करती। और फिर स्वयं कारण जान करके कहते विदतम माया, हमें पता चल गया कि उत्तम श्लोक जल पे श्री कृष्ण बोलने में इतने चतुर हैं और इतनी चिकनी बात चुपड़ा करके कहते हैं। श्री कृष्ण का एक नाम भी है चिकनिया, चिकनिया जो बात बहुत चिकनाते हैं उनका नाम है चिकनिया। श्री श्री राधा चिकनिया है, अच्छा चिकनिया, अच्छा चिकनी। राधा तो मधुर मंदिर में वृंदावन में एक मूर्ति है, उसका नाम है छल चिकनिया। चिकनिया का अर्थ है बात खूब गढ़ने वाले, चिकने करने वाले। चलते हैं ब्रज में, 6-7 बरस के बच्चे हैं, किसी गोपी से कहते हैं हमने एक ज्योतिषी से पूछा था तो उसने बताया, उसका नाम रख कर बताया, ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारे साथ ही हमारा विवाह होगा। वाह, इतना बात चिकनाते हैं, ज्योतिषी बताया, ज्योतिषियों के सरदार तो आप ही हैं, आप बता रहे हैं तो ठीक है। तो वो गोपी कहते चलो चलो माता यशोदा से पिटवाऊ, तुम इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन इस तरह से बातें चिकनाते रहते, इसको जल को कहते हैं। श्री कृष्ण ऐसी बातें बोलते हैं आकर्षक कि उनकी बातों में लक्ष्मी जी फंस गई होंगी। और इसीलिए कहा नारायण की पत्नी है, नारायण की सेवा छोड़ करके कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और वो भी सेवा कितना हीन सेवा, चरणों में ही लुटती रहती है। इतनी विदुषी स्त्री और उसका दिमाग खराब हो गया। स्त्री जाति में देवता हो चाहे दानव या मनुष्य, सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी समझ चुकी हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा करना यही सबसे बड़ा धन है, यही परम पुरुषार्थ। पर श्री राधा रानी उनकी कमजोरी बता रही हैं, श्री कृष्ण की मीठी मीठी बातों में वे आ गई होंगी। सबसे श्रेष्ठ पुरुष जाति में भगवान नारायण है, पुरुष, और सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी जी। लेकिन ऐसी लक्ष्मी और नारायण दोनों श्री कृष्ण पर आकृष्ट हैं। श्री कृष्ण भी, नारायण भी, भगवान भी श्री कृष्ण का दर्शन करने आते हैं और श्री लक्ष्मी जी भी उनकी सेविका, उनकी दासी बनना चाहती हैं। ये शास्त्र का प्रमाण है। कस्य अनुभव से देव विद्म है तवांग रेणु स्पर्शाधिकार जदवान छया श्री ललना चरत तपो विहार भोगान सुचिरा सिद्धिता धृता व्रता। लक्ष्मी भी दीर्घ काल तक व्रत करके जिस चरण कमल के रज को चाहती है उसको ये महाक्रूर कालीय नाग भी पा गया। पता नहीं इसने कौन सा सुकृत किया था, इस जन्म में तो कुछ किया नहीं था और पहले भी नहीं किया। हम अनुमान करते पहले अच्छा कर्म किया होता तो सांप कैसे बना होता। सांप में जन्म हुआ है इस उस व्यक्ति का, सांप में जन्म होता है जो बहुत कंडम होता है जीव, बहुत पाप करता है तब सांप में जन्म। अच्छा सांप में जन्म भी हुआ, खराब जोनी में जन्म मिला, लेकिन सत्संग करे, साधु संग करे, भजन करे तो कुछ परिवर्तन हो जाता है।
तो हम तो इस जन्म का जानती हैं कि कोई साधु संग नहीं, केवल दसना ही काम इसका था। वृंदावन में भी आया तो पानी को विषैला कर दिया, जमुना जी के पानी को, और पशु भी पी करके मर जाते थे, मनुष्य मर जाते थे, ऊपर के पक्षी झुलस कर गिर जाते थे, आसपास के पेड़ पौधे भी मर जाते थे। और इसको कृष्ण का चरण कमल का रज मिला। भगवान स्वयं ही गए थे काली दह में और अपने चरण कमल को उसके फन पर दे दिया और नाच रहे थे। तो इस पर कालिए की पत्नियां कहती हैं, कौन सा सुकृत इसने किया था पूर्व पूर्व जन्मों में, कुछ अनुमान नहीं कर सकते। जिस सुकृत से आपके चरण कमल के रज के स्पर्श का अधिकार मिला, तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकार, आपके चरण कमल की धूली का इसे स्पर्श मिला, धन्य है कालिए। उसकी पत्नियां कह रही हैं, जदवांछया, जिस चरण धूलि के लिए श्री ललना, ललना का अर्थ है जो भगवान नारायण की परम प्रियतमा है, दुलारी है, ऐसी ललना भोगों को छोड़ करके, उपवास करके और निद्रा आदि छोड़ करके तप कर रही है और आज तक तप कर रही है, बोलती हैं आज से 5000 वर्ष पहले बोली थी, पर लक्ष्मी जी आज तक तप कर रही है। उनमें कमी हो गई थी, कमी यह थी कि वे भगवान कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध चाहती थी, और जानती है कि श्री कृष्ण की सेवा में श्री गोपी जनों का अधिकार है, राधा रानी का अधिकार। लेकिन लक्ष्मी जी को ये दुर्भावना हो गई, ये तो गोपी हैं, गाय चराने वाले की स्त्रियां, इनका मैं अनुगत स्वीकार नहीं करूंगी, इनके पीछे नहीं चलूंगी। तो गोपियों का अनुगत स्वीकार नहीं किया लक्ष्मी जी ने, तब उनको भगवान का चरण कमल मिला नहीं। जब उन्होंने, जब करेंगे स्वीकार राधा रानी को, ललिता विशाखा जी को अपने से श्रेष्ठ स्वीकार करेंगे, तब उनको सेवा मिलेगी। तो चरण सेवा कृष्ण की नहीं कर पाते हैं, लेकिन चरण सेवा के लिए ही मरती रहती हैं, आज तक तप कर रही हैं। बेल बन में आप लोग देखे होंगे, लक्ष्मी जी का दर्शन किए होंगे, तपस्या स्थली है, न वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है, न कोई भोग श्रृंगार, कुछ नहीं। लक्ष्मी को भोग लगता ही नहीं, क्योंकि उपवास कर रही हैं, तप कर रही हैं। वृंदावन में तप कर रही हैं कि मैं गोपियों की तरह सौभाग्यवती हो करके रहूंगी, लेकिन गोपियों की तरह सौभाग्यवती होने के लिए राधा रानी की कृपा चाहिए और गोपियों की कृपा चाहिए। पता नहीं कब अनुगत स्वीकार करेंगी और तब से हम सुंदर इनको सेवा का अधिकार देंगे। पर राधा रानी ये सब जानती हैं कि लक्ष्मी वहाँ पर तप कर रही है, तो उसी को कह रहे हैं कि लक्ष्मी किस चक्कर में पड़ी है, ये हम लोगों की तरह रोएगी, इसको पता नहीं है कि हम लोगों को कितना दुख हो रहा है। कृष्ण बहुत कपटी हैं, कभी प्रेम करते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। लक्ष्मी इतना तप कर रहे लेकिन ये भी मरेगी, ये भी रोएगी, इसको कोई समझाने वाला नहीं है क्या, कि कृष्ण को क्यों पाना चाहती है, कृष्ण से क्यों प्रेम कर रही है। कथम परिचरति कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा, यह पद्मा उसके चरण कमल को पाने के लिए क्यों तप कर रही है। निश्चित है कृष्ण की बातों में फंस रहे होगी, कृष्ण की बात में फंस जाए कोई व्यक्ति तो महाभाग्यशाली है। ब्रज में जो बोलते थे उस बात को, चाहे कुरुक्षेत्र में भी जो बोले हैं गीता में, अगर उस चक्कर में कोई पड़ जाए तो वही भाग्यशाली है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कृ, भगवान बोलते हैं मेरा अनंग चिंतन करोगे, और कोई कार्य नहीं,
अनन्य मन से चिंतन करोगे तो तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा और जो नहीं है वो जुटाऊंगा, जो नहीं है वो जुटाऊंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। इस तरह से भगवान बोल रहे हैं। कोई भगवान भक्त ही इस पर विश्वास करता है कि हाँ ऐसे कृष्ण का भजन करना है। और ब्रज में तो कहना ही नहीं, वे डायरेक्ट जहाँ तहाँ बोलते ही रहते हैं, किसी से समक्ष बोलते हैं और किसी का नाम लेकर बांसुरी में बोलते हैं, बांसुरी में गाते हुए बोलते हैं। तो किस स्त्री का चित्त उनमें नहीं आसक्त हो जाएगा। तो लक्ष्मी जो इस तरह से कृष्ण के वश में हुई है वो तो कृष्ण के शब्दों को सुनकर, इसको परिजल्प कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका के अंत में लिखे हैं, परिजल्प का अर्थ होता है प्रभोर निर्दयता साठ्य चापल्यादुपादना स्वविचक्षणत व्यक्ति भंग्या स्यात् परिजल्पितम्। जिस उक्ति में अपने प्रभु के श्री कृष्ण की निर्दयता सठता और चपलता तो का वर्णन हो और अपनी कुशलता विचक्षणता व्यक्त की गई हो, इसको परिजल्प कहते हैं। तो किस किस वाक्य में क्या क्या प्रकट है यहाँ देखिए। अत्र पायित्वा इति मोहिनी मिति च तस्य साठ्यम्। जबरदस्ती पिला देना किसी को, बेहोश करने वाली चीज, तो इसमें श्री कृष्ण की सठता व्यक्त की गई है। और मोहिनी इस शब्द के द्वारा कैसी अधर सुधा, जो मोहिनी माने बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले, तो सठता है। और सद्य तत्यजे इति निर्दयत्व, सो निर्दयता व्यक्त की गई। सद्य तुरंत छोड़ दिए और भवाद्रिक तुम्हारे जैसा भौरे जैसा इति चापल्यम, और लक्ष्मी से भी अधिक बुद्धिमत्ता बताना अपने को, इसको कहते हैं स्वविचक्षणत्व व्यक्त की। आदि शब्द जो इसमें रूप गोस्वामी पाद जी दिए हैं, आदि उपपद प्रभो निर्दयता साठ चपलता आदि चापल्य आदि उपपद, तो आदि शब्द से अकृतज्ञ अकृतज्ञत्व प्रेम शून्यत्व आदिकं तो सर्वत्र अनुसूचन किया। सब जगह सभी उक्तियों में ये व्यक्त है श्री कृष्ण अकृतज्ञ हैं और प्रेम शून्य हैं, प्रेम नहीं करते हैं और किसी के उपकार को कभी मानते नहीं। सुनने में ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण के सारे दुर्गुण गाए जा रहे हैं, लेकिन ये गुण हैं बहुत बड़े बड़े बड़े, तो कृतज्ञ शिरोमणि हैं। सांवरो घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार, प्रेममय है। कोई व्यक्ति उनसे अगर प्रेम करता है तो उसे वो कई गुना प्रेम करते हैं। कोई श्री कृष्ण के लिए एक पग बढ़ाता है मिलने के लिए तो वो 60 कदम बढ़ते हैं, ऐसा कहा गया है। एक पैर जो चलता है कृष्ण के लिए तो कृष्ण 60 पग उसके लिए चलते हैं, तो बहुत तेज गति से मिलते हैं। लेकिन ये तो श्री राधा रानी के मान का उद्गार है, इसमें रस है। फिर भी भौरा राधा रानी के चरण पर मंडरा रहा था और भनभन भनभन बोल रहा था, तो कुछ राग जैसा बोल राग से बोल रहा था चरण कमल में,
तो राधा रानी को ऐसा भाव हो रहा है कि भंवरा हमारे चरण में गिर करके मना रहा है, हमारा गुण गा रहा है, दूत बन करके आया है तो हमें मना रहा है, गुण गा रहा है। तब ये कहती हैं, किमिह बहु सडंग्रे गायसी तुम जदुनाम अधिपति मगृहाणाम अग्रतो न पुराणम विजय सख सखीनाम गीयताम तत्प्रसंग क्षपित कुच रुजस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टः। अरे सडंग्रे, सट का अर्थ है छ और अंग्री माने चरण, जिसके छह चरण होते हैं। तो इससे भाव यह है कि पशु के चार चरण होते हैं और तुम्हारे छह चरण हैं, तो तुम डेढ़ा पशु हो। पशु अभिव्यक्ति होते हैं, कौन चीज क्या गाना चाहिए वहां ना गा करके यहाँ गा रहे हैं। सडंग रे यह हमारे गोपी समाज में वृंदावन में किम बहु गायसी, क्यों बहुत बहुत गा रहे हैं? क्या तुम समझते हो कि इस तरह से गाने से हम प्रसन्न हो जाएंगे? व्यर्थ तुम गा रहे हो। जादवों के पति श्री कृष्ण की बड़ाई क्यों कर रहे हो? वो बेचारा भंवरा तो अपने जाति के अनुसार भन 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 कर रहा है। राधा रानी कहती हैं कि जादव पति का गुण मत गाओ, क्यों गा रहे हैं? अग्रहाणाम अग्रतः, हम तो बिना घर बार की हैं, वनवासिनी हैं, पर्वत में रहती हैं, हमारे पास क्या है? हम अग्रहा हैं। हमारे विषय में गा कर कृष्ण की बड़ाई करके तुमको क्या मिलेगा? हमने, हमारे पास तो कोई धन नहीं है कि हम दे पाएंगे। फिर भी आप प्रसन्न होइए, कृष्ण आपके लिए विकल हैं, इसीलिए तो हमको दूत बना करके भेजे। तुम मत बड़ाई करो कृष्ण की, वे हमारे लिए पुराने हैं। न पुराणम, पुराने मतलब बहुत दिन के परिचय है, सब कुछ जानती हैं। ऐसा नहीं कि नया है और बात बना करके भुलवा देंगे। हमारे पुराने परिचित हैं। न पुराणम अस्माकम पुराणम, पुराना परिचय। तो हमें उनके लिए नई नहीं है, हमारे लिए नए नहीं, इसलिए गाओ मत, कुछ वर्णन मत करो उनके विषय। राधा रानी को महाभाव में यही स्फुरण हो रहा है कि भंवरा कृष्ण का जश गा रहा है, कृष्ण की बड़ाई कर रहा है। तब कहती, हमारे लिए नए नहीं है, सब पता है कैसे, इसीलिए कृष्ण का गुणगान यह मत करो। और उसको भाव हो रहा है कि जदुपति कृष्ण का भाव गा रहा है, वृंदावन बिहारी कृष्ण का नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण जादवों के पति हो गए हैं, राजा हो गए हैं। तो मान बस यही भाव हो रहा है कि ये कृष्ण का गुण गा रहा है, जदुपति का। तो यहाँ मत गाओ, गाना हो तो देखो हम बता रहे हैं कहाँ गाना चाहिए और क्या फायदा होगा वहाँ गाने से। विजय सख सखी नाम गीयतान तत्प्रसंग, विजय सख, विजय जिनके साथ सदा रहता है, जिनकी विजय होती है, श्री कृष्ण को कहते हैं विजय सख। विजय जिनका सखा है, जिनके साथ जिनकी हमेशा विजय होती है। जत्र जोगेश्वरो कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा ने तिरमतिर मनो। विजय सदा श्री कृष्ण के साथ रह। तो विजय सख की, विजय जिनके साथ रहता है, वैसे श्री कृष्ण की जो सखियां हैं मथुरा में, उनके आगे गाओ। विजय सख सखी नाम गीयता, उनके बारे में गाओ। और क्या गाओ, टॉपिक भी बता रहे हैं। तत्प्रसंग, किस तरह मथुरा की स्त्रियों के साथ उनका केली चल रहा है,
और उसमें भी विजयी होते हैं वह प्रसंग गाओ तो वे तुमको बहुत चीज देंगी बहुत धन देंगी क्योंकि इस समय इष्टा है इस समय खुश हैं उनका कुछ रुच चला गया है वो कृष्ण के साथ हैं बहुत आनंद में हैं उनको बहुत सुख है इसीलिए अगर तुम उनका जस गाओगे तो वे मथुरा की जादुओं की स्त्रियां तुमको बहुत देंगी हम गोपियां के पास तो कुछ भी नहीं घर है ही नहीं तो क्या देंगे और गृहाणाम हम लोग बिना घर बार के हैं हम तुमको कुछ नहीं दे सकते यहाँ गाने से क्या होगा केवल तुम्हारा कंठ खराब होगा गा कर क्या करोगे अरे वो काहे को बेचारा गान करने जाए लेकिन राधा रानी सब शुरू में ही कहा गया कि कल्पयित्वा कल्पना कर रहे हैं कि मेरे बारे में गा रहा है छपित कुछ रुझा उनका कुछ रोग हृदय रोग चला गया है वो सुखी हैं तो कोई सुख में है धनी है उसके सामने कोई गाएगा पंवरिया बन करके तब ना उसको कुछ मिलेगा किसी गरीब व्यक्ति के पास जा करके बेचारा गा करके ही क्या करेगा तो हम वनवासिनी गोप स्त्री हैं हम लोगों के पास कुछ नहीं है और हम बहुत दुखी भी हैं एक तो बिना घर बार के कुछ है नहीं और दूसरे हमारा हृदय रोग गया नहीं हम कृष्ण के विरह में ऐसे ही दुखी हैं इस समय कृष्ण विरह में दुखी ऐसा नहीं कहेंगे बल्कि वो अच्छा मान रहे हैं मन ही मन अच्छा हुआ कि इस छलिया से स्वाम छूट गया है अब लक्ष्मी चक्कर में पड़ी है वो रोएगी हम लोग तो पार तो इसलिए जिसका दुख खत्म हो गया है क्यों दुख खत्म हो गया है क्योंकि कृष्ण का संग मिला है तो राधा रानी कहती है कि वो भी